everyone, welcome to another vlog with a fine sunny day. After around 5 days, I finally saw sun for almost more than 2 hours. अभी जो है वो मैं एवरी डे कोला लेकर जा रहा हूँ. ये जो है यहाँ से सबसे चीपेस्ट है, विच आई रिकमेंड यू गाइस टू बाय इट एज वेल. आज जो है वो मंगल को पिज्ज़ा में जो है वो डील लगती है, डेट्स वाई जो है वो हम लोग जो है हम यूजुअल दिन मस्ट हैव की पिज्ज़ा खाते. सो मैं जो हूँ घर में बैठा था, एडिट कर रहा था और वीडियो एडिट कर रहा था अपनी ओर, तो मुझे डोगर भाई की और नोमी की कॉल आई कि आप आओ और हमने जो है वो पिज़्ज़ा डील ली है और पिज़्ज़ा खाते हैं. सो राइट नाउ आई एम गोइंग देयर. जल्दी में 15 मिनट है मेरे पास, मैंने कोला पकड़ी, कोला राइट से हो गया. लेट्स गो, ट्राई करते हैं. क्या है ऐसे करेगा यार, अब ट्राई करते हैं स्पाइसी चिकन पिज़्ज़ा. चीज़ पिज़्ज़ा तो बहुत बेस्ट था. लेट्स सी, हाँ ये वाला थोड़ा कम लगा. अरे यार नहीं, ये इतना टेस्टी नहीं है. कैसे चीज़ पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी था ना. हाँ डोगर भाई को भी चीज़ पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी लगा यार. गुजारे लाइक यार, इसमें तो मिर्चें हैं यार, मिर्चें हैं और मिर्चें से मुझे एलर्जी है. जिम शुरू करते हैं यार, क्या कहते हैं ये आप पाकिस्तानी बोल रहे थे कि जिम शुरू करते हैं. तो हारो जाता है, कभी कभी जाता है, कोला भी है ना. घर हो यार, दो दिन से नहीं गया. अभी जो है सामने बुक स्टोर था, तो इतना बड़ा बुक स्टोर है यार, 3 मंजिलों का बुक स्टोर है. यहाँ आके बुक्स वगैरह नॉवल्स वगैरह देखने लगे. यार ये देखो बॉयज़ को, ये बुक्स देखने के लिए आए हैं, नॉवल्स पढ़ने के लिए. ये जैद भाई काफ़ी बड़ा बुक स्टोर है, इसके बाद औरंगाबाद कैसल जाएंगे. जैकेट अलील जो है वो हाशिम भाई ने ज्वाइन कर लिए, अब विद अपने गॉगल्स पहने हुए हैं भाई, ग्लासेस और हम ये ऊथ मार्केट से जा रहे हैं और अभी एरन बर्ग की तरफ जा रहे हैं. किधर, किस साइड से हमने जाना है? सीधे नहीं, कौन सी स्ट्रीट से? स्कापन स्टार्ट से जो है वो हम जाएंगे एरन बर्ग. तो अब एरन बर्ग में मिलते हैं और रास्ते में जो भी अच्छी चीज़ आए आई विल शो यू गाइस. सबसे अच्छी चीज़ तो ये ऊथ मार्केट से जा रहे हैं, रात के वक्त अच्छी होती है. ये हाशिम भाई ने एक टाउन दिखाया है जो कि 1232 में जो है वो बना था. ये देख सकते हैं, मैंने वैसे वीडियो में दिखा दिया. तो इस रास्ते में जाते जाते एरनबर्ग से जो है वो ये टाउन भी देखते हैं, देखते ही जाते हैं. घर सारे ही बने हुए हैं ना अभी तक, इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है वैसी चीज़ को, हल्का हल्का रिनोवेट किया हुआ है यार. अमेजिंग है. अच्छा उनको यहाँ मिलता है, तो हर जगह ही है इनका, बहुत प्यारे है ना. हाँ बहुत प्यारे प्यार, इनका आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर इज़ अमेजिंग है. इससे अच्छा आर्किटेक्चर नहीं है, यूरोप का ही आर्किटेक्चर सबसे बेस्ट है. जस्ट चेक आउट कि ये सामने जो है ये कुआं बना हुआ है ये इधर, और ये इनकी स्ट्रीट्स देखो और घर देखो, और ये 800 साल जो है वो पुराने हैं. अभी तक इन्होंने प्रिजर्व भी किया हुआ है. ये देखो यहाँ लोग रहते हैं अभी सर, लेकिन फिर भी क्वाइटनेस देखो कितनी ज़्यादा है. चेक आउट फॉर अ मोमेंट के ये लोग 800 साल पहले कितने ज़्यादा जो है इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जो है वो बेहतरीन कर लिया था बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. वेदर तो इनका इतना अच्छा नहीं है, और उन्होंने कितने लेवल के घर बनाए हैं, और साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ, सारा कुछ. और हमारे आज तक जो है वहाँ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के जो है वो टाउन्स नहीं बन सके.
जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन लैकनेस. और ये देखो हमसे कितना आगे हैं ये लोग, कितना आगे हैं. ये अभी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, ये हमसे आगे भी किसी वजह की वजह के लिए जो है वो हमसे आगे हैं. कोई वजह है तभी आ गए हमसे, ऐसे ही नहीं. ओल्ड टाउन के साथ ही जो है वो रेजिडेंशियल ये बिल्डिंग भी है, सॉफ्टवेयर आईटी बिल्डिंग हेवरली की. ये रिंग और रिंग साइड पे जा रहे हैं, उस साइड जो है वो रिंग के आउटसाइड है. ये कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरा. मेरे पीछे दरख्त देखें कितने ऊंचे ऊंचे हैं ना, और सही बड़े बड़े दरख्त हैं. इनके स्टेम देखो कितने रूट्स हैं, कितनी बड़ी है मोटी. अभी जो है वो हम आरनबर्ग कैसल के अंदर जा रहे हैं, आरनबर्ग कैसल. ओह, और ये यार ये चीज़ देखने वाली यार, सुपर क्लीन मैन. दिस इज द कैसल. यार मेरा मोबाइल जस्टिस नहीं करता, इंशाल्लाह हम आईफोन 15 प्रो मैक्स लेंगे ना, देन इट विल जस्टिस. हो ये अभी जो है ये रहा. और ये जो है जस्ट इनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखो, और इनका जो है प्लानिंग देखो कि ये अपने जो जितने भी कैसल्स वगैरह हैं ना, इनको प्रिजर्व करने के लिए ये रिसर्च सेंटर बना देते हैं इधर, जिस तरह ये लिखा हुआ है रिसर्च डिज़ाइन. और ताकि जो है इनके जो कैसल्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ये प्रिजर्व रहें. और ये भी KU लोगन यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए, और हम जो है वहाँ बना देते हैं उसको टूरिस्ट स्पॉट. पीछे साइकिल्स ही साइकिल्स खड़ी हुई है, ये साइकिल्स ही साइकिल्स. यहाँ जो है ये बोर्ड लगा हुआ है. ये देखो ये डोर जा रहा है अब उनके कैसल के गार्डन की तरफ, PhD डिफेंस. ये हाशिम भाई को देखो सन बात लेते हुए. योर साइकिल यहाँ बहुत तेज चलाते हैं यार. जो है ये मेरी बैग पे आप देख रहे हैं कि ये लोवेन का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है. ये भी कैसल के अंदर ही था ना ये बिल्डिंग. ये देखो ये कैसल की बिल्डिंग है, और किस तरह प्रिजर्व किया इन्होंने इसको, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना के. PhD के स्टूडेंट्स के डॉर्म्स. हाँ वो देख, वो डॉर्म्स है PhD स्टूडेंट्स के, और उसी कैसल में क्लासेस भी होती है. हाँ कैसल में, वो मैंने देखा था स्टूडेंट्स जा रहे थे, कैसल में क्लासेस भी होती है. यार ये ड्रीम लैंड ही है वाकई. क्या कहते हैं हाशिम भाई, है ड्रीम लैंड है ना. फिर पाकिस्तान में यार लोग जो कहते हैं यार तुम लोग वहाँ जाके जो है वो, हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल सच है वाकई.
आई वॉन्ट लाई कि ये सच नहीं है, ऐसा है वैसा है. मुश्किलात तो हर जगह होती हैं, लेकिन ये कि दिस इज़ द लाइफ जो सब चाहते हैं कि हमें वहाँ भी मिले. अगर अपने मुल्क में ऐसी लाइफ मिल रही है तो क्या ज़रूरत है हम आए इधर ना इतना सफ़र कर. बट बस व्यू चेक करना है कि बंदा वहाँ से जो है रोड से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो अपनी गाड़ी में विद दिस गर्ल, और अलोन भी आ सकता है. और बिल्कुल सामने जो है वो यहाँ कैसल हो, और वो कैसल वो आपको नज़र आ रहा हो ऊपर जो है वो इस जहाज जा रहा हो देखो ऊपर. और इस तरह साइड से साइकिलें जा रही हैं. क्लीन एनवायरनमेंट, दिस लाइफ इज़ वर्थ इट मैन. बस सबकी दुआएं हों और सब कुछ हों साथ तो सब कुछ पॉसिबल है. सो अपने बड़ों की दुआ लें और यहाँ के जो है अपना गोल अचीव करें एंड एंजॉय द लाइफ. ये देखो सारी साइकिल्स हैं. हम रिसर्च कर रहे थे कि यहाँ जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है वो जब उन्होंने यूरेनियम वगैरह जो है वो सारा किया था, रिसर्च की थी सारा को, वो तो चुराया था हॉलैंड से जो पेपर्स वगैरह में, लेकिन उन्होंने पढ़ा जो था वो के यू लोवेन से पढ़ा था. और ये के यू लोवेन कैसल है, यूनिवर्सिटी है सारी जहाँ से उन्होंने पढ़ा था जो मेटोलॉजी पतनी जो मतलब के स्टडी की थी उन्होंने, PhD वगैरह की थी वो यहाँ से की थी के यू लोवेन से. और तभी जो है उनकी वजह से कि उन्होंने यहाँ से पढ़ा था और इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो लेकर गए थे बैक टू हिज ओन कंट्री. तो पाकिस्तानी जितने भी हैं तो बड़ी मुश्किल से जो है एडमिशन मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से जो है वो पाकिस्तानियों को उनकी वजह से मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं ये बहुत क्लेवर लोग हैं और ये लेकर जो है वो इन्फॉर्मेशन अपने मुल्क जाते हैं. जो भी हो जाए दे आर पेट्रियोटिक टू देयर ओन कंट्री, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट ये भी है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है. अभी जो है वो हम हेवरली वाली साइड में जो है वो जा रहे हैं. और कितना खूबसूरत टाउन है ना ये पीछे सिंगिंग करते हुए. अब कुछ उल्टा छुलटा ना हो बोली. नहीं यार मैं बड़ा अच्छा बच्चा है. ये देखो ये साइकिल में साइकिल यार सबके पास साइकिल है. साइकिल इज़ द बेस्ट. अभी मैं भी इंशाल्लाह जो है वो जल्दी साइकिल ले लूँगा तो हम भी साइकिल में जाएंगे. घर देखो यार इस साइड पे. सुपर क्लीन यार. अभी तक सुबह से मैं घूम रहा हूँ और थक नहीं रहा बंदा है ना. हाजी भाई थके हो? नहीं थके. हाँ नुमान थक गया होगा. मुझे यार पता है डेलहेज, ये डेलहेज मेरे बैग पे जो है ये स्टोर है इनका. वो आगे जो है वो ट्रैफिक जाम. अब ये डेलहेज में जा रहे हैं स्टोर. तो बेल्जियन चॉकलेट्स खानी है तो ये हैं बेल्जियन चॉकलेट्स सारी. ये सारी बेल्जियन चॉकलेट्स पड़ी हुई एंड तक ये सब. बट ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, ये ओरिजिनल चॉकलेट कड़वी होती. जो है वो बस देखने के लिए आए हैं
देखने के हद तक ठीक है, वाइन और विस्कीज वगैरह। हाँ हलाल जगह नहीं है इसलिए। और ये देखो ये वो फ्रोजन पिज्ज़ा है ना, यहाँ बहुत बड़ा स्टोर है यार, बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा है। वो डेलहेज से रेड बुल ली है, वो भी द रेड एडिशन, और ये बहुत जो है वो रेयर एडिशन होता है। तो ये मुझे कह दिया आशिम भाई ने कि रेड बुल आप पियो, और वो भी रेड एडिशन। आशिम भाई और नोमी जो है वो मॉन्स्टर लिए, और हमने स्नीकर्स लिए। और डेलहेज मुझे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे जो है उसने कहा कि बंदे ने पकड़ा कि अरे यार आप वीडियो बना रहे हो, मैंने कहा हाँ मैं यूट्यूब में। तो उसने कहा कि ओके मैंने नहीं वीडियो देखी कि आपने वीडियो कोई बनाई। तो चिल सीन है यार, चिल विद चिल द रेड एडिशन रेड बुल। जो है वो जैद भाई मिले हैं टेक अवे करते हुए। ये बंदा खड़ा है पीछे। तो यार मुझे जो है वो 30 यूरो की फक्की पड़ गई है। मैं स्पेशल ये वाली सॉकेट लेकर आया था पतली वाली, कि यार यूरोप में ये चेंज होगी, यूरोप में चेंज यार ऐसे नहीं करते। अब मैं ये करूँ थोड़ा, यूरोप में जो है वो चेंज होगी। इतना बड़ा डब्बा है यार ये, तो तू और आगे मैं दिखा देता हूँ मैं। हाँ तू दिखा दे। ये भाई को 30 यूरो की पक्की पड़ी है। हाँ पाकिस्तान में आपको 40 रुपए की ये चीज मिलती है, और यहाँ 40 की भी नहीं मिलती, 400 की। लेकिन ये वाला स्पेशल मैं चार्जर लेकर आया था, इसको 30 यूरो का, जो कि पाकिस्तानी 9000 यूरो बनता है। हाँ यार, और जो है वो ये स्पेशल लेकर आया था, और जो है कि ना यहाँ चेंज होगी, लेकिन यहाँ जो है वही पाकिस्तानी वाली। इससे अच्छा तूने ये इतने पैसे यहाँ भी पे किए हैं, इससे अच्छा तू एक चार्जर ले लेता हूँ दूसरा, तो इसका तेरा काम चल जाना भी है मेरा भाई। लैपटॉप के लिए भी तू दे सकता था। हाँ लैपटॉप का नहीं मिलता, ये इसको जो है ये चीज बड़ी महंगी पड़ी है। तो ये आज का जो है व्लॉग था, आई होप आप लोगों को जो है वो आज का व्लॉग पसंद आएगा। हाशिम भाई जो है वो मुझे लेकर गए हैं, सारों को कह के थक गया था। हाशिम भाई जो है वो चलने वाले बंदे थे मेरा, चलने और लेकर गए हैं। और मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, मैंने भी आ गया था, तू भी वीडियो बनाई थी तुम्हारी, बहुत अच्छी जो है वो वीडियो बनाई थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद ही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़। देखो ये लगा हुआ है मैरी का, और ये देखो ये भी लॉक्स लगा हुआ है मैक्स का, और ये सारे से भाई ये पहले आपने बताना था कि ये लव लॉक्स लगे हैं। तो यार चुप हो जाना यार, दोबारा बोलो दोबारा।